एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट वॉलेड मैन यानी कि सलार के बारे में। अब देखो कोई भी हम वीडियो बनाते हैं उसके नीचे में सलार का कमेंट जरूर रहता है कि सलार पे क्या अपडेट है। सच इज द क्रेज, सच इज द हाइप, सच इज द एक्सपेक्टेशंस और सच इज द क्यूरियोसिटी। जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है और उतना ही जितना एक्सपेक्टेशंस है, जितना एक्साइटमेंट है, उतना ही हम लोग का जो सलार को लेकर इंतजार है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में बहुत अच्छा न्यूज नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा काम है बताना, तो हम बताते हैं आप लोगों को। अब सबसे पहले तो अभी जो रिसेंट शेड्यूल चल रहा था सलार का वो परसों कंप्लीट हो चुका है और अब इस वीक के एंड में या तो फिर अगले वीक के स्टार्टिंग में प्रभास आपको प्रोजेक्ट के का नया शेड्यूल में ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे हर महीने अब सलार का एक शेड्यूल होगा और प्रोजेक्ट के का एक शेड्यूल होगा और इसी महीने मारुति साहब ने तो यही बोला था कि इसी महीने अनाउंसमेंट हो जाएगा उनकी जो फिल्म है प्रभास के साथ उसका। आप देखते हैं वो कब अनाउंसमेंट होता है, जैसे कुछ क्लियर आइडिया मिलेगा, डेट वेट पता चलेगा हम आपको आके जरूर बताएंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और अब देखो सलार में इस शेड्यूल में भी एक बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है और जब भी सलार का कोई शेड्यूल होता है ना तो अंदर से थोड़ा सा उम्मीद जग जाता है कि अब शायद इस शेड्यूल में टीजर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये भी शेड्यूल खत्म हो गया, टीजर का अनाउंसमेंट हुआ नहीं। जैसा कि हम आपको बोले थे कि जुलाई, हमको नहीं लगता कि जुलाई में होगा, अगस्त में हमको लग रहा है क्योंकि अक्टूबर जो है वहां पे आपको वहां से जो आदि पुरुष का प्रमोशन है वो शुरू हो जाएगा, तो हमको नहीं लगता कि उसके साथ सलार वाले कुछ निकालेंगे। सो अब हो सकता है अगस्त में आए। लेकिन एक ये भी बात है जो कि अनफॉर्चुनेट न्यूज है वो ये है कि अब सलार जो है, जैसा कि आपको बताए थे कि अप्रैल 14th टारगेट कर रहे थे मेकर्स की, उसी दिन जिस दिन केजीएफ चैप्टर 2 इस साल आई थी, अगले साल उसी डेट पे सलार को निकालेंगे। लेकिन अब वो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही है जिसके कारण पुष्पा दरूल अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हो पाया, जो कि फरवरी में शुरू होने वाला था वो अब सितंबर बताया जा रहा है। सितंबर में भी होगा नहीं होगा या और आगे बढ़ जाएगा वो किसी को नहीं पता। एक्सपेक्टेशन ही है कि जो बाहुबली कंक्लूजन है वो 2016 में आने वाली थी, वो 17 में आई। तो जितना भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है मेकर्स पे फैंस को प्लीज करने का, उसके कारण जो है वो और कुछ ग्रैंडलर करने चाहते हैं। और सलार के मेकर्स भी कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि जो बेंचमार्क सेट कर दिया केजीएफ चैप्टर 2 ने, उसको प्रशांत नील एंड टीम जो चाह रही है उसको कि वो लिव अप करें उस एक्सपेक्टेशन पे और कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सो सलार का जो शेड्यूल है वो दिसंबर तक खत्म होगा और उसके बाद इसके जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो जो सलार है वो अब फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में आपको देखने को नहीं मिलेगी बल्कि अब सेकंड हाफ में जाएगी। अब जून के बाद, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, वो जैसे जैसे पता चले हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको क्योंकि बताए थे कि 14th of April सलार के जो मेकर्स है वो टारगेट कर रहे हैं, अब वो डेट पे नहीं आ रही, तो मेरा काम है आपको बताना कि अब उस डेट पे सलार मीट नहीं कर पाएगी और अब सेकंड हाफ ऑफ 2023 में शिफ्ट हो चुकी है। टीजर का इंतजार अभी चल ही रहा है और उसके साथ सलार का भी इंतजार जो है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका है। सो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन वो लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो जब आएगा द वेट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट, दैट इज फॉर श्योर। सो यही अपडेट है फिलहाल मेरे पास सलार के लिए और प्रोजेक्ट के पे जैसे कुछ नया शेड्यूल शुरू होगा हम आपको बताएंगे कब होता है। और फिलहाल के लिए यही है, टीजर का इंतजार अभी और करना है हम लोगों को, जैसे कुछ पता चले हम आपको बताएंगे। सो अगर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।